बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूज को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा था। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलॉसॉफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो।